हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वरुण ब्रेवरेज के स्टॉक के बारे में। वरुण ब्रेवरेज के स्टॉक में क्या चल रहा है, कहाँ पे प्राइस है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बिल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम टॉप 500 स्टॉक को हर क्वार्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसमें क्या वैल्यूएशन है, क्या यहाँ पे उसके क्वार्टर के रिजल्ट हैं, सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये जो वीडियो होने वाला है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से होने वाला है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वरुण ब्रेवरेज में इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 1,82,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस यहाँ पे 1,406 के आसपास है। हाईएस्ट इसने बनाया था 1,562 का और 660 का यहाँ पे इसने लो बनाया था। स्टॉक का अगर प्राइस टर्निंग रेशियो देखोगे ये थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 53 के आसपास है। डिविडेंड ये नहीं देता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अच्छा खासा है और इक्विटी पे भी ये अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर लेता है 35.2%। फेस वैल्यू अगर आप देखोगे, फेस वैल्यू यहाँ पे वरुण ब्रेवरेज की 5 है। ये थे यहाँ पे बेसिक डिटेल। यहाँ पे आ जाते हैं प्राइस पे। प्राइस एक साल में अगर आप देखोगे, वन ईयर में अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस मूवमेंट हुआ है। 670 से लेके यहाँ पे करीबन यहाँ पे 1500 समथिंग के आसपास तक यहाँ पे प्राइस मूवमेंट हुआ है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, तो हो सकता है ये जो डिक्लाइन है ये जो रिवर्स पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन है इसका ब्रेक डाउन हो, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट भी कंटिन्यूसली यहाँ पे गिर रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। और जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे 1,250 के आसपास आके लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये जो गैप जो ओपनिंग हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुआ था 1170 के आसपास से लेके ये पूरा का पूरा ये आने वाले टाइम में फिल होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। फाइनेंशियल इसके क्या है, पीयर्स में कौन कौन से है, पीयर्स में यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टर के जो रिजल्ट है, क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनकी सेल्स है अभी थोड़ी सी डाउन हो गई है, बट दिसंबर 2022 के कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो सेल्स है वहां पे इजाफा देखने को मिला है। मार्च में यहाँ पे रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हर मार्च में इनका जो सेल्स है वो दिसंबर 2021 के कंपेरिजन में भी बढ़ गया है और दिसंबर 2020 के कंपेयर में भी यहाँ पे सेल्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मार्च 2024 में भी यहाँ पे जो सेल्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी रेशियो में यहाँ पे इंक्रीज होगा। अभी यहाँ पे 418 करोड़ प्रॉफिट क्लॉक किया है यहाँ पे इसने, और लास्ट क्वार्टर में 882 करोड़ के आसपास था, उसके पहले 1511 करोड़ के आसपास था। तो अभी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने वाला है। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो है इनका ये 74 करोड़ और 166 करोड़ के आसपास है। टैक्स ये पे करते हैं, जो जनरल टैक्स पे आउट है इनका 25%, उसी टैक्स को यहाँ पे ये पे करते हैं। नेट प्रॉफिट जो जनरेट किया है 144 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। क्या इनका जो सेल्स है ईयरली अगर आप देखोगे तभी यहाँ पे पता चलेगा क्या इनकी जो सेल्स है वो एकाएक बढ़ गई है कि नहीं। यहाँ पे इनकी जो सेल्स है धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हुई है। दिसंबर 2020 के कंपेयर करोगे तो अभी यहाँ पे करीबन 3 टाइम्स छू रही है। बट अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट जो दिसंबर 2020 में आ रहा था 300 करोड़, वो यहाँ पे 7 टाइम्स हो गया, 2100 करोड़ के आसपास। तो प्राइस में तो एक्शन यहाँ पे देखना मतलब है ही, प्राइस में एक्शन तो यहाँ पे आपको दिखेगा ही। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टॉक है वो यहाँ पे हाई वैल्यूएशन पे चला गया है। अगर हम यहाँ पे प्राइस टर्निंग रेशियो की बात करते हैं, जो इसका जो मीडियन प्राइस टर्निंग रेशियो रहता है वो यहाँ पे 58 के आसपास रहता है। अभी यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस टर्निंग रेशियो पे चला गया था। अभी जो ट्रेड हो रहा है 85 के आसपास, 85-86 के आसपास यहाँ पे प्राइस टर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा, तो ये रिट्रेस होके आएगा। यहाँ पे भी देखो एकदम से यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्राइस टर्निंग रेशियो हुआ, आने वाले 1-8 साल में ये जो प्राइस टर्निंग रेशियो पूरा का पूरा यहाँ पे फिर से मीडियन के पास आ गया। तो ये चीजें होती रहती हैं, मार्केट में चलती रहती हैं।
बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट में यहाँ पे इनका कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है, बोरोइंग यहाँ पे इन्होंने ले रखा है, बोरोइंग जितना यहाँ पे इनका रिजर्व है उसी के आसपास यहाँ पे उसका 80% के आसपास यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग, 90% एक्चुअली बोलो तो 90% के आसपास यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग ले रखा है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे इनका अच्छा खासा पैसा फंसा हुआ है 1922 करोड़ के आसपास। फिक्स एसेट्स में अगर आप देखोगे, फिक्स एसेट में यहाँ पे 8409 करोड़ के आसपास इनका पैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे यहाँ से देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर के पास है। प्रमोटर के बाद एफआईआई के पास कितने परसेंट होल्डिंग है, एफआईआई के पास भी यहाँ पे 26% के आसपास होल्डिंग है। एफआईआई ने होल्डिंग अपनी बढ़ा लिया है। डीआईआई यहाँ पे होल्डिंग थोड़ा सा कम किए हैं, ये देख सकते हो। और पब्लिक का यहाँ पे जो 7-7.5% माल था वो यहाँ पे एफआईआई के द्वारा 1% छीन लिया गया है। तो ये चीजें मार्केट में होती रहती हैं, बट अब इस स्टॉक में फंसने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी ओवरबॉट जोन में है। मैं बताया भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, तो जब नीचे के लेवल पे आए उस टाइम पे इसको परचेस कर सकते हो। और भी बहुत सारे स्टॉक हैं उसको आप परचेस कर सकते हो। हमारे वीडियो पे हर स्टॉक का जो एनालिसिस है जिसमें अपॉर्चुनिटी है उसको भी डिस्कस किया जाता है, और जो ओवरबॉट जोन में है उसको भी डिस्कस करते हैं ताकि उस स्टॉक में आप फंसो नहीं। समझ में आई बात? तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं मार्केट में, ऑपरेटर के द्वारा गेम खेला जाता है और ये खेला जाता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।